नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं सॉर्सरर्स अप्रेंटिस नामक एक साहसिक फंतासी फिल्म के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। यह एक जादुई अंगूठी है। अगर आपको इसकी मंजूरी मिल जाती है तो आप मर्लिन के उत्तराधिकारी बन सकते हैं और फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर बन सकते हैं। लड़का यहाँ कुछ भी नहीं छूना, वह अब जादूगर का मैनुअल निकालने जा रहा था। हालांकि बल्थाजार अभी निकला ही था कि लड़के ने जमीन पर एक गुड़िया को जिज्ञासु पाया। उसने उसे उठाया और उसकी ओर देखा। उस क्षण गुड़िया की सतह पर एक ज्वाला फैल गई। लड़का इतना भयभीत था कि उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद अनगिनत तिलचट्टे अंदर से निकलने लगे। लड़के की चकित आंखों में तिलचट्टा अंत में एक मानव आकृति में बदल गया। वह गुड़िया पर डिजाइन के समान था। उसका नाम होरवत था। वह लड़के को मारने के लिए तैयार था। सौभाग्य से बल्थाजार ठीक समय पर प्रकट हो गया। उसने तुरंत होरवत को आकाश में गिरा दिया। होरवत इसे लेते हुए नहीं लेने वाले थे। वह तुरंत वापस लड़े। वे दोनों जादूगर थे और उनकी लड़ाई स्वाभाविक रूप से विद्युतीय थी। जल्द ही पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। यह देखते हुए कि बल्थाजार अस्थायी रूप से फंस गया था, होरवत ने फिर से लड़के को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि इस समय बल्थाजार भी आग की लपटों से बाहर निकल गया। तो लड़के को बचाने के लिए बल्थाजार ने खुद को और होरवत को एक साथ सील कर दिया। लड़का इतना डर गया था कि वह कमरे से बाहर भाग गया। वह घबरा गया और गुड़िया को अपने हाथ से बाहर फेंक दिया कमरा। लेकिन पाया गया कि सब कुछ सामान्य हो गया था। यह पता चला है कि अभी कुछ ही समय में बल्थाजार और होरवत को कंटेनर में सील कर दिया गया है। और ऐसा 10 साल बाद हुआ। लड़का कॉलेज का छात्र बन गया है। उसका नाम देव है। जैसे कई गी वह बेकी की कक्षा में था, जिसे वह पसंद करता था, लेकिन अपने प्यार को कबूल करने से डरता था। ठीक उसी समय सीलिंग के 10 वर्षों का समय समाप्त हो गया। होरवत ने भी आखिरकार सील तोड़ दी। बाहर आने के बाद उसने जो पहला काम किया वह था कंटेनर जिसने उसे सील कर दिया था, उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से बल्थाजार समय पर जाग गया। नष्ट होने से पहले अंतिम क्षण में कंटेनर से भागने में सफल रहा। बल्थाजार ने सबसे पहले छोटे लड़के की तलाश की। इस समय होरवत ने भी यहाँ पाया कि बल्थाजार काफी मजबूत है। जब तक होरवत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक बल्थाजार दवे को पहले ही बाहर निकाल चुका था। वह अपने सामने विशाल स्टील ईगल को देखते हुए देव को जादू के अस्तित्व पर विश्वास करना पड़ा। अगला बल्थाजार ने देव के प्रश्न की भी व्याख्या की। यह पता चला है कि 1000 साल पहले जादूगरों के देवता मर्लिन के 3 शिष्य थे और बल्थाजार उनमें से एक था। अन्य 2 बल्थाजार की प्रेमिका वेरोनिका और उसका सबसे अच्छा दोस्त होरवत थे। जब मर्लिन दुष्ट दाना मॉर्गन हो वाद के खिलाफ लड़ रही थी, उसने उसे धोखा देने के लिए चुना। उसने न केवल मॉर्गन को अपने शिक्षक को मारने में मदद की, बल्कि उसने मरे हुए लोगों की एक सेना को बुलाने के लिए एक दुष्ट जादू का उपयोग करने के लिए भी तैयार किया। इंसान बल्थाजार जो उसे रोकने आया था भी हार गया था। जैसे ही मॉर्गन उसे मारने वाला था, वेरोनिका ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए चुना। उसने मॉर्गन की आत्मा को सीधे अपने शरीर में चूसा और बल्थाजार को मॉर्गन को कैद करने के बाद उन्हें हॉरक्रक्स में एक साथ सील करने का दर्द सहना पड़ा। उसके बाद के वर्षों में लेकिन दुष्ट जादूगर भी मॉर्गन को बचाने की कोशिश की। बल्थाजार उन्हें हरा देगा और उन्हें परत दर परत गुड़िया में सबसे बाहरी परत पर सील कर देगा। होरवत मर्लिन ने मरने से पहले बल्थाजार को बताया था वह जो कोई भी ड्रैगन की अंगूठी पहन सकता है वह मर्लिन का उत्तराधिकारी है। एकमात्र ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो मॉर्गन बल्थाजार को मार सकता है। इसके लिए कई दुनिया खोजी। वह नहीं जानता था कि उसने कितने लोगों की कोशिश की, लेकिन जब तक छोटा लड़का नहीं आया तब तक कोई भी ड्रैगन की अंगूठी की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सका। उसे जादू के देवताओं द्वारा निर्देशित किया गया होगा। आत्मा उपकरण जिसने दुष्ट दाना को सील कर दिया। दूसरी तरफ होरवत भी मूल प्राचीन वस्तुओं की दुकान में आया। उसने मॉर्गन को सील, इसके तुरंत बाद बल्थाजार को भी वह स्थान मिल गया जिसे वह नहीं जानता था कि होरवत पहले ही वहां पहुंच चुका था। ठीक वैसे ही जैसे बल्थाजार हॉरक्रक्स के बारे में पूछने वाला था, उसके पीछे एक आदमी चुपचाप दिखाई दिया। यह पता चला कि गुड़िया मिलने के बाद होरवत ने एक मोहरबंद दुष्ट जादूगर को रिहा कर दिया था। उस पल में उस आदमी ने भी हरकत करनी शुरू कर दी, लेकिन बल्थाजार ने उस आदमी को बैकहैंड किया और उसे उड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि वह आदमी जल्दी से फिर से खड़ा हो गया। इसके बाद वह अपनी असली शक्ति का भी इस्तेमाल करेगा। आदमी ने धीरे धीरे अपनी कमर को देखा केवल ड्रैगन कुलदेवता को हिलता हुआ देखने के लिए। फिर बहुत दूर
दूर नहीं नाचने वाले अजगर में भी जान आ गई। उसने मांस और खून उगाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके पैर भी धीरे धीरे तेज पंजे में बदल गए। दाना अजगर को नियंत्रित करता है और देव का पीछा करता है। सौभाग्य से देव को छिपने के लिए एक कमरा मिल गया, लेकिन अजगर उसका पीछा करता रहा। लड़के को खतरे में देखकर पहले ही सड़क पर भाग गया। बल्थाजार मदद करने वाला नहीं था। यह पता चला कि जादू को तेजी से सीखने का एकमात्र तरीका संकट में है। अजगर और करीब आ रहा था। देव ने भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरी समय में जब ड्रैगन उस पर हमला कर रहा था तो उसने आखिरकार जादू का इस्तेमाल किया। बाल्थाजार ने इस बिंदु पर जादूगरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उग्र ड्रैगन तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया। विरूपण जादू टूटने के साथ ड्रैगन जल्दी से अपने मूल में वापस आ गया। प्रपत्र होरवात ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा था। दवे के हाथ में अंगूठी देखकर उन्हें पता चल गया था कि सबसे बड़ा दुश्मन सामने आ गया है। इस घटना के बाद दवे को भी जादू में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने बल्थाजार से उन्हें जादू सिखाने के लिए कहा। बल्थाजार ने दवे से कहा कि एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़ना नहीं है। देव ने बल्थाजार के साथ अध्ययन करने का फैसला किया। वह आधिकारिक तौर पर एक जादुई प्रशिक्षु बन गया। अपने ही वह मस्तिष्क की ऊर्जा को भौतिक संसार में परिवर्तित कर सकता है। बल्थाजार के संरक्षण में देव ने हर तरह का जादू सीखना शुरू किया। हालांकि उनका पूरा शरीर सुरक्षित था, फिर भी प्रशिक्षण के दौरान वे दुर्घटनावश घायल हो गए। देव के परिश्रमी अभ्यास के साथ वह जादू में अधिक से अधिक कुशल हो गया। एक अवसर पर जब वह और बेकी बाहर थे तो उसने उन बदमाशों को वश में करने के लिए जादू का भी इस्तेमाल किया जिन्होंने उसे लूटा था। इससे बेकी भी उससे प्रभावित हुई और उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन उन्होंने बेकी से अपनी प्रयोगशाला में पूछा। जादू का अंत विज्ञान है। एक अच्छे विज्ञान छात्र के रूप में उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक सर्कल के साथ बेकी का पसंदीदा गाना बजाया। इससे बेकी विस्मय में चीख उठी। उन दोनों ने एक साथ रोमांटिक डेट भी की। दूसरी तरफ होरवात को एक दुष्ट दाना ड्रेक एक सहायक के रूप में मिला। जब वह अकेला था तो देव पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन बल्थाजार दवे की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने ड्रेक को पहले मारकर आश्चर्यचकित कर दिया। होरवात का सामना करते हुए जो लगातार आगे बढ़ता रहा, बल्थाजार ने फिर से अपने दर्पण जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों समान रूप से मेल खाते थे। वे थोड़ी देर के लिए अंतर नहीं बता सके, लेकिन ड्रेक ने होरवात को मारा और उसे शीशे की जगह में गिरा दिया। तुरंत इसके बाद यह जानते हुए कि वह इतनी खतरनाक स्थिति में है, बल्थाजार ने उसे हरा दिया। दवे ने अपने जादू का और भी कठिन अभ्यास किया। उसने न केवल फर्श को साफ करने के लिए, झाड़ू को नियंत्रित करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, बल्कि बर्तन धोने के लिए भी जादू का इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि देव अभी तक कुशल नहीं था, सारा जादू अंततः नियंत्रण से बाहर हो गया। वह खुद खतरे में था। सौभाग्य से बल्थाजार समय पर पहुंचे और सभी जादू को दूर कर दिया। बेकी होरवात के साथ डेट पर अंतत एक अवसर मिला। इस बार ड्रेक ने देव को सीधे प्रतिरूपित किया और बल्थाजार पर हमला किया। फिर उसने हॉरक्रक्स पाया जिसने मॉर्गन को सील कर दिया। यह देखते हुए कि बल्थाजार अब उपयोगी नहीं था, होरवात उसे मारने के लिए तैयार था। ठीक समय पर देव सही समय पर आ जाता है। उसने अपने जादू का इस्तेमाल कर खंजर गिराया और शिक्षक होरवात को बचाया। फिर तुरंत अपने सहायक के साथ बल्थाजार को उसका पीछा करते हुए देखा। होरवात ने फिर अपने हाथ से कार को छुआ। टैक्सी तुरंत एक में बदल गई सुपर कार। बल्थाजार ने यह देखा और उसी जादू का इस्तेमाल किया और उसकी कार श्रेष्ठ थी। यह देखकर कि वह प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा नहीं पा सका, होरवात को भी एक दर्पण मिला। इसके बाद उन्होंने जादू का इस्तेमाल किया और बल्थाजार को तुरंत एक दर्पण आयाम में ले जाया गया। यहाँ सब कुछ हकीकत से उल्टा है और होरवात आईना तोड़ता रहा। उसने बल्थाजार को हमेशा के लिए अंदर फंसाने की कोशिश की। सौभाग्य से बल्थाजार को जल्द ही एक सफलता मिली। उसने हवा में लटके एक दर्पण को देखा और बल्थाजार को लहरापन गिर गया। वे अंततः वास्तविक दुनिया में फिर से प्रवेश कर गए, लेकिन फिर होरवात गायब हो गया। दूसरी ओर होरवात के बाद वह गुड़िया मिली जिसने मॉर्गन को सील कर दिया। उसने महसूस किया कि इसे खोलने के लिए बहुत सारी जादुई शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने ड्रेक पर प्रहार करने में संकोच नहीं किया। वह सील की अंतिम परत को खोलने के लिए मानव जीवन का उपयोग करना चाहता है। सबके लिए मर्लिन की ड्रैगन रिंग की भी आवश्यकता है, लेकिन फिर अंगूठी अपने आप ही दरवाजे पर आ गई। यह पता चला कि बल्थाजार और दवे को होरवात की खो मिल गई थी। जब वे अलग हो रहे थे, बल्थाजार के पैरों के नीचे का कालीन में फंस गया और आगे नहीं बढ़ सका। दूसरी तरफ देव ने हॉरक्रक्स को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। जैसे ही वह निकलने वाला था, होरवात उसके पीछे आ गया। को करना है चुनना, बेकी की जान लेनी है या ड्रैगन रिंग को गिराना है, क्योंकि देव समय के लिए रुकने की तैयारी करता है। बल्थाजार भी जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसने दो जंजीरों को नियंत्रित करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और खुद को जाल
से बाहर निकाला, लेकिन जब तक वे बाहर निकले देव ने पहले ही हॉरक्रक्स और अंगूठी बाल्थाजार को सौंप दी थी। एक दुर्लभ चाल में देव को दोष देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद उसे होरवत को रोकना पड़ा। इस बिंदु पर दवे निष्क्रिय भी नहीं थे। यद्यपि वह अपनी अंगूठी खोने के बाद जादू का उपयोग नहीं कर सका, जादू का अंत विज्ञान है। देव ने जल्द ही टेस्ला इलेक्ट्रिक सर्कल को कार में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने होरवत को हराने का एक तरीका निकाला है। इस बीच होरवत ने सारी शर्तें जमा कर ली थी। जैसे ही हॉरक्रक्स टूटा, काले पदार्थ का एक बड़ा द्रव्यमान तुरंत बाहर निकल आया। वे लगातार मरोड़ने के बाद बाल्थाजार की प्रेमिका में बदल गए और उसके अंदर दुष्ट दाना मॉर्गन था। इसके बाद वह जादुई आभा स्थापित करने के लिए चैनल और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इमारत के शीर्ष पर उपग्रह रिसीवर का उपयोग करेगी। जादू का निशान पहले से ही आकार ले रहा था। होरवत ने जल्द ही बाल्थाजार को परछाई में छिपा हुआ देखा। ड्रैगन की अंगूठी के साथ उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। अब बाल्थाजार का कोई मुकाबला नहीं था। वह जल्दी से होरवत से बाहर निकल गया, फिर लोहे के बैल को चौकोर में पुनर्जीवित कर दिया। आयरन बुल सीधे बाल्थाजार की ओर भागा। भले ही वह कार के पीछे छिपा हो, वह बैल के हमले को नहीं रोक सका। जल्द ही बाल्थाजार का जीवन दांव पर था। इस महत्वपूर्ण क्षण में दवे अंत में पहुंचे टेस्ला इलेक्ट्रिक सर्कल के साथ समय होरवत की छड़ी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है। उसके हाथ में हथियार तुरंत गिर गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाए, स्टील ईगल को बुलाया। इसने सीधे लोहे के बैल को हवा में पकड़ लिया। हालांकि संकट अब नहीं उठा, क्योंकि हवा में जादू की आभा पूरी तरह से बन चुकी थी। मॉर्गन के नियंत्रण में अनगिनत काला धुआं उठने लगा। वे तेजी से दुनिया भर में फैल गए। काला धुआं जाग सकता है मृत आत्माएं, चाहे वह चीन की महान दीवार हो या पिरामिड के नीचे स्फिंक्स। वे अंधेरे के प्रभाव में तेजी से जाग रहे हैं। जल्द ही अंधेरा पृथ्वी को ढक देगा और अनगिनत मरे नरक से लौट आएंगे। सौभाग्य से दवे इसके लिए तैयार थे। उसने पहले ही बेकी से सिग्नल टावर को नष्ट करने के लिए कहा था। रिसीवर के सफलतापूर्वक नष्ट हो जाने के साथ जादू की आभा जो तुरंत बन गई थी, वह नष्ट होने लगी थी। यहां तक कि आधे मरे हुए जो पुनर्जीवित हो गए थे, सभी वापस राख में बदल गए। को सेव वेरोनिका बाल्थाजार ने मॉर्गन की आत्मा को अपने शरीर में चूस लिया। उसने फिर हॉरक्रक्स को देव पर फेंक दिया। इस बार मॉर्गन को सील करने की बारी उसकी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सबसे शक्तिशाली दुष्ट जादूगर के रूप में बाल्थाजार का शरीर उसे बिल्कुल भी नहीं फंसा सका। मॉर्गन जल्दी से उसके बंधनों से बच गई। जैसे ही वह बाल्थाजार को मारने वाली थी, देव कहीं से भी बाहर आ गया। यह पता चला है कि उसने शक्तिशाली जादू जगाया है। भले ही उसके हाथ में अंगूठी नहीं थी, फिर भी वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर सकता था। यह वह क्षमता है जो केवल सर्वोच्च दाना के पास है। जबकि वे सभी सदमे में थे, मॉर्गन ने चुपके से लॉन्च किया बाल्थाजार को खुद को बचाने के लिए। खटखटाते हुए देखकर दवे ने गुस्से में जवाबी हमला किया। हालांकि अब उनके पास मर्लिन की जादुई शक्ति थी, लेकिन उनके पास समान शक्ति या कौशल नहीं था। अपने हमलों के साथ मॉर्गन को धमकाने के बजाय वह मॉर्गन के हमलों से पीछे हट गया। हालांकि यह वास्तव में देव की योजना थी। यह पता चला है कि उसने जो पहला हमला किया था, वह उसके बगल में ट्रांसफार्मर को मारने के लिए था, जबकि मॉर्गन पागलपन से हमला कर रहा था। देव चुपके से था। हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को नियंत्रित करते हुए उसने सभी तारों को स्ट्रीट लाइट से जोड़ दिया। अब वह जादू को हराने के लिए विज्ञान का उपयोग करने जा रहा था। विद्युत प्रवाह, मॉर्गन ने तुरंत अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। देव बिल्कुल भी नहीं हिचके। इस बार उनके सभी हमलों ने निशाने पर मारा। मॉर्गन सीधे गुमनामी में पिट गया। यह जादू की लड़ाई का अंत है, जो 1000 साल तक चली फिल्म के अंत में बाल्थाजार, अंत में वेरोनिका देव के साथ फिर से मिल गया और बेकी भी एक मधुर जीवन जीती है। फिल्म अंत में हमें बताती है, जादू को जानना डरावना नहीं है। डरावना क्या है? जो लोग जादू जानते हैं, उनके पास संस्कृति होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।